खबरों की शुरुआत सबसे पहले कुणाल साडंगी से। 2019 में झामुमो छोड़ भाजपा में गए थे और 2024 में भाजपा से वापस झामुमो में आ रहे थे, लेकिन उनकी घर वापसी पर अभी संशय बरकरार हो गया है क्योंकि झामुमो ने ही विरोध कर दिया है। जमशेदपुर जिला कमेटी ने विरोध जता दिया है कुणाल साडंगी की घर वापसी पर, जिसके बाद कुणाल साडंगी की टिकट पर अभी मुहर लगनी मुश्किल हो गई है, अधर में लटक गई है कुणाल साडंगी की टिकट। एक तरफ भाजपा के भी नहीं रहे, क्योंकि भाजपा में भी खबर तेजी से फैल गई है कि कुणाल साडंगी छोड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी बड़ा भाजपा नेता उन्हें मनाने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ जमशेदपुर जिला कमेटी विरोध जता रही है। कुणाल के जमशेदपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के पूरे चांसेस थे। 2014 का चुनाव लड़ा था झामुमो की टिकट पर, बने थे बहरा गोड़ा विधायक। अधर में लटक गई कुणाल की टिकट। बीजेपी और जेएमएम आखिर कहां के है कुणाल, बड़ा सवाल। लोकसभा चुनाव से पहले जैसे दल बदल का तूफान सा आ गया है झारखंड में। हर कोई कहीं ना कहीं हिलता हुआ नजर आ रहा है, हर कश्ती हिलती हुई नजर आ रही है। कौन कब छलांग लगा जाएगा, कौन कब अपनी कश्ती छोड़ दूसरी कश्ती पर सवार हो जाएगा, यह बता पाना मुश्किल है। आज भाजपा के 5 बार के सांसद रह चुके राम टहल चौधरी, जिनका 2019 में भाजपा ने टिकट काट दिया था, आज उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और आज अब अटकलें तेज हैं कि उन्हें रांची से लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन यहां आपको एक गंभीर बात बता दें कि मंच पर खुद सुबोध कांत सहाय, जो कि रांची के प्रत्याशी हैं, उन्होंने फूल देकर और पट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया, उनको सम्मान दिया और रामटहल चौधरी को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। गुलाम अहमद मीर साहब, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर साहब सभी मौजूद थे। दूसरी तरफ बात करें राजेश ठाकुर साहब की, तो वो कह रहे हैं बिना शर्त कांग्रेस में स्वागत है, लेकिन जेपी पटेल साहब अगर बिना शर्त के आ गए थे तो हजारीबाग से यशवंत सिन्हा का नाम काटकर जेपी पटेल साहब का नाम कैसे चला गया। कई मामले हैं, कई मोर्चे खुले हुए हैं। ऐसे में एक नाम आ गया कुणाल साडंगी का, 2014 में झामुमो से विधायक थे, 2019 में झामुमो छोड़कर भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ा, समीर मोहंती से हारे झामुमो के समीर मोहंती से, और बैठे हुए थे अभी 2024 में फिर से दोबारा जेएमएम में आने की कवायद में थे। माना जा रहा है कि जमशेदपुर सीट से चुनाव लड़ने वाले थे। सीधा करते हैं हमारे सहयोगियों का, हमारे साथ फोन लाइन पर राकेश जुड़े हुए हैं और जमशेदपुर से मनोज जुड़े हुए हैं। पहला सवाल राकेश से। राकेश, कुणाल साडंगी के वापस आने पर झामुमो गरमाया हुआ, जमशेदपुर जिला कमेटी विरोध कर रही है। देखिए, सब कुछ तय था और सब कुछ लाइनअप हो चुका था अभिषेक, लेकिन जैसे ही न्यूज 11 पर सुबह से ये खबर चली कि आज शाम में कुणाल साडंगी जो है वो अपने पुराने घर वापस लौट सकते हैं, उनकी घर वापसी हो सकती है, और इसको लेकर तमाम एक्सरसाइजेस जो थे वो पूरे कर लिए गए थे, उसके बाद से इस खबर के बाद जो जमशेदपुर जिला कमेटी है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, वहां विरोध शुरू हो गया। वहां के जो नेता हैं और वहां के जो जिला अध्यक्ष है रामदास सोरेन, जो कि घाटशिला से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक भी हैं, तो उनके उनका जो पूरी कमेटी है वहां की, उसके तरफ से कहीं ना कहीं जो विरोध था वो तेज होने लगा कि एक ऐसे शख्स को जिसने पार्टी छोड़ दिया और ऐसे समय में छोड़ा जब जरूरत थी पार्टी को, उस वक्त के मुख्यमंत्री ने उनको काफी समझाने की कोशिश भी की थी कुणाल साडंगी को, लेकिन वो माने नहीं थे, तो उस बात का टीस था, उस बात को लेकर नाराजगी थी, और कहीं ना कहीं जो एक उनका जो अपना लाइफ स्टाइल है कुणाल साडंगी का पॉलिटिक्स में, उससे वो जेएमएम के जो कार्यकर्ता हैं जिला कमेटी के जमशेदपुर के, उनका हाव भाव मैच नहीं करता है, वो भी एक बड़ा गैप है वहां, उसको लेकर भी वहां के नेताओं में नाराजगी थी। तो आप कह सकते हैं कि जमशेदपुर जिला कमेटी की नाराजगी
की वजह से फिलहाल कुणाल सारंगी का जो जेएमएम में ज्वाइनिंग लगभग तय माना जा रहा था वो फिलहाल टल गया है। अभिषेक, राकेश आपने अभी लाइफस्टाइल की बात कही, आखिर लाइफस्टाइल को लेकर क्या विवाद हो सकती है पार्टी में? पहले भी झामुमो के रह चुके हैं कुणाल सारंगी, अब तो घर वापसी कर रहे थे। देखिए उनका जो अपना जो स्टाइल है वो जेएमएम का जो अपना भावना है, और जेएमएम पार्टी चूंकि माटी की पार्टी है और जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, तो उससे उनका हाव भाव बहुत मैच नहीं करता, और वहां के कार्यकर्ताओं को बहुत इंपॉर्टेंस भी वो नहीं दिया करते थे जब वो वहां से विधायक हुआ करते थे, तो वो भी एक टीस था, कार्यकर्ताओं में टीस अब भी है। और देखिए जो भी रिकमेंडेशन होता है किसी का भी ज्वाइनिंग जब पार्टी में होता है, खास तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा में, तो वो रिकमेंडेशन जिला कमेटी की तरफ से आता है, तो जिला कमेटी की तरफ से रिकमेंडेशन नहीं आ पाया, जिला कमेटी ने कुणाल सारंगी के घर वापसी को लेकर विरोध कर दिया, जिसके वजह से लास्ट मूवमेंट में ये बातें अब निकल कर आई कि अभी फिलहाल उनका जो ज्वाइनिंग है उनको टाल दिया गया है। लेकिन ये जरूर है कि वो हाथ पैर पूरी तरीके से मार रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी घर वापसी हो जाए। और दूसरा जो एक अहम विषय झारखंड मुक्ति मोर्चा के समक्ष जो आ रहा है नेतृत्व को लेकर, क्योंकि पार्टी के सबसे बड़े जो रणनीतिकार हैं वो फिलहाल ईडी की वजह से जमीन घोटाले के मामले में वो जेल में बंद हैं, तो रणनीतिकार ना होने की वजह से भी जो डिसीजन होना चाहिए एट अ मूवमेंट पार्टी के अंदर में, खासतौर पर चुनावी वक्त में, उसका कहीं ना कहीं अभाव देखने को मिल रहा है। और आप इससे कुणाल सारंगी के ज्वाइनिंग को भी जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर में जो सेंट्रल कमेटी है वो उसका एक धड़ा जो है वो कुणाल सारंगी के पक्ष में है, तो दूसरा जो धड़ा है वो कुणाल सारंगी के पक्ष में नहीं है। तो इस तरह की चीजें फिलहाल देखने को मिल रही है, जिस वजह से उनका जो ज्वाइनिंग का जो बात था जो लगभग तय माना जा रहा था कि आज उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, और न्यूज 11 के सूत्र जो है वो बहुत हल्के नहीं होते। अभिषेक, हम जब भी किसी खबर को लिखते हैं या अपने चैनल में चलाते हैं तो बहुत प्रमुखता के साथ चीजों को रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से विरोध जमशेदपुर में शुरू हुआ जिला कमेटी का इंटरनल, हालांकि देखिए बहुत वहां के अपने नेताओं को आपने देखा होगा, हमने कोशिश की थी कि कुछ नेताओं से रिएक्शन ले, लेकिन खुलकर कोई भी कुछ कहने से बच रहा है, तो ये भी एक विडंबना हो जाती है पत्रकारों के समक्ष। लेकिन ये जरूर है जो इंटरनल हमारे रिसोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि वहां बहुत विरोध था और इस वजह से फाइनल स्टेज में उनका ज्वाइनिंग जो है उसको टाल दिया गया। अभिषेक, बिल्कुल राकेश, ये बात समझ से परे है, फाइनल स्टेज पर ज्वाइनिंग उनकी टाली गई है और इसी के साथ अधर में लटक गया है कुणाल का टिकट। निश्चित तौर पर न्यूज 11 ने खबरें चलाई थी, पुख्ता खबरें हमने चलाई, लेकिन जमशेदपुर जिला कमेटी ने विरोध कर दिया और इस विरोध के बाद ये बात शुरू से हमारे समक्ष है कि एक धड़ा विरोध कर रहा है लेकिन एक धड़ा चाहता है कि कुणाल की घर वापसी हो जाए। अब वापसी पर अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। जमशेदपुर जिला कमेटी ने नहीं चाहती जमशेदपुर जिला कमेटी की कुणाल सारंगी वापस हो, अब एक आध दो दिन में जो भी निर्णय होना है वो हो जाएगा, क्योंकि जमशेदपुर से कहीं ना कहीं प्रत्याशी के नामों की घोषणा करनी और अधर में लटकी कुणाल की टिकट ना भाजपा के रहे हैं फिलहाल और ना ही कहें तो झामुमो के रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। बहुत धन्यवाद राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। अभी आपने सुना हमारे संवाददाता राकेश ने बताया कि जानकारियां पुख्ता थी लेकिन जमशेदपुर जिला कमेटी ने विरोध कर दिया, जिसके बाद कुणाल का टिकट अधर में लटक गया है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं जमशेदपुर, मनोज हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, कुणाल सारंगी का टिकट अधर में लटक गया है, देखा जाए तो जमशेदपुर जिला कमेटी इसका विरोध कर रही है, कुणाल सारंगी को वापस झामुमो में नहीं चाहते झामुमो के लोग। देखिए निश्चित तौर पे जिला कमेटी को जैसे ही ये सूचना लगी कि कुणाल सारंगी वापस झारखंड मुक्ति मोर्चा में आ रहे हैं और उसके बाद जमशेदपुर से वो प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं ये कयास लगाया जा रहा था, उसके बाद धीरे धीरे ये आग जो है सुलगने लगा और सुलगते सुलगते राजधानी रांची तक पहुंचा और पार्टी के जो बड़े लीडर हैं वहां तक सूचना गई। जो सूत्र बता रहे हैं, जो यहाँ के जो जिला अध्यक्ष है, जो वर्तमान विधायक है, उनसे हमने बात किया, उनका सीधे तौर पे कहना है ये तो पार्टी का मामला है, पार्टी के बड़े नेता करेंगे और वो अपने
घर में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि पार्टी में विरोध शुरू हो गया था। दूसरी तरफ बहरागोड़ा की बात करें तो बहरागोड़ा जहां इनका अपना गृह क्षेत्र रहा है, वहां से ये विधायक भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर जब लड़े थे तो विधायक हुए थे, दूसरी बार लड़े तो वो भारतीय जनता पार्टी से तो हार हो गई थी। तो उस इलाके में भी इनका विरोध शुरू हो गया है। हमने कुछ लोगों से बात की है, उनका सीधे तौर पे कहना है कि वहां के लोग नहीं चाहते हैं कि कुणाल सारंगी झारखंड मुक्ति मोर्चा में आए, क्योंकि वहां के जो अभी जो विधायक हैं, विधायक ऑलरेडी जो उस इलाके में काम कर रहे हैं उससे लोग खुश है। अगर कुणाल सारंगी आता है तो निश्चित तौर पर पार्टी में बगावत शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो बहरागोड़ा के विधायक हैं समीर मोहंती से कुणाल सारंगी को पटता नहीं है, भले ही सब एक ही शागिर्द रहे हैं, लेकिन समय बदला, समय के बाद एक अहम सवाल सामने खड़ा हो गया है कि अब आखिर कहां के है कुणाल। क्योंकि कुणाल को लेकर अगर बात करें तो काफी दिनों से चर्चा है कि कुणाल भाजपा छोड़ रहे हैं। ऐसे में भाजपा के किसी बड़े नेता का बयान भी कभी सामने नहीं आया, किसी ने कुणाल को वापसी की बात नहीं की, कुणाल के नहीं जाने पर कोई टिप्पणी नहीं की। वहीं झामुमो की बात करें तो झामुमो से भी किसी ने कंफर्मेशन नहीं दिया, सवाल पूछने पर भी कुणाल सारंगी के मामले को टालते नजर आए। माना जाए अधर में लटक गया है टिकट, कुणाल भी अधर में लटके हुए, कहीं के नहीं रहे। देखिए निश्चित तौर पे अभिषेक आपने सही कहा कि बाकी भारतीय जनता पार्टी के न बड़े लीडर बोल रहे हैं न ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े लीडर, लेकिन इतना जरूर है कि जब तीन रोज पहले की बात अपने दर्शकों को बता दें कि जब झारखंड बहरागोड़ा जब बीजेपी की जब टीम यहां से गई, जो जिला अध्यक्ष थे वो जब बहरागोड़ा गए, कुणाल सारंगी को लगातार फोन से बात करना चाह रहे थे, तो वो फोन से उन्होंने फोन उठाया नहीं और उसके बाद फोन इन्होंने बंद कर दिया। जो सूत्र बता रहे हैं बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, जिला अध्यक्ष बता रहे हैं कि वो बीजेपी की कमेटी को एकदम दरकिनार बहरागोड़ा में लोगों ने कर दिया और मिला नहीं, जबकि उनका गृह क्षेत्र था। तो ऐसे भी कयास लगाया जा रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाने के लिए बेताब थे। हमने भी दो बार इनसे मुलाकात की है तो हंस हंस करके टालते थे, कहते थे कि दो दिन इंतजार कीजिए, बड़ा खेल होगा। तो निश्चित तौर पर यह झारखंड मुक्ति मोर्चा में, लेकिन अब ये लटक गए हैं क्योंकि कमेटी विरोध कर रही है। जिला कमेटी का ही नाम देना था, कल जिला कमेटी की बैठक होनी थी, अचानक बैठक रद्द कर दी गई जिन लोगों का नाम जाना था। तो इस पे साफ क्लियर है कि जिला कमेटी इसका विरोध कर रही है और विरोध का ये नतीजा है कि अब ये अधर में लटक गए, न भाजपा के रहे न झारखंड मुक्ति मोर्चा को। अभी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अगर ये वापसी जेएमएम में करते भी हैं तो इनको टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। जी निश्चित तौर पर मनोज, कहीं ना कहीं से तो बवाल गर्मा गया है, विवाद गर्मा गया है। अगर वापसी भी करते हैं तो टिकट पर संशय अब बरकरार है कि इनको टिकट मिलेगा या नहीं, क्योंकि भीतरघात की आशंका काफी तेज हो जाएगी और संभावनाएं भी काफी बढ़ जाएंगी। बहुत धन्यवाद मनोज तमाम जानकारियों के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।